सैया के सुधानी आज आपको सुथनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बिहार का ही महत्वपूर्ण फल है। तो आपने फल तो बहुत नाम सुना होगा और ये जो फल है जमीन के अंदर होता है। आपने आज तक सुना होगा कि ये जो फल है बहुत सारे फल पेड़ पर लदे होते हैं और ये जो फल आपको आज दिखाने जा रहे हैं ये ज़मीन के अंदर होता है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसको खाने में बड़ा ही आनंद आता है। इसको जो बोने का टाइम है वो आपको जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और बुआई के बाद इसकी निकाई वगैरह भी होती है। बीच बीच में इसको सिंचाई भी इसका किया जाता है और इसका जो उखाड़ने का टाइम है मिट्टी से वो मान लीजिए कि नवंबर या दिसंबर में इसकी ज़मीन से इसको उखाड़ा जाता है और देखने में आपको वाकई बहुत सुंदर लगेगा। जैसा कि ये हम आपको इस टोकरी में आपको दिखा पा रहे हैं कि ये जो सुथनी है इसी टाइप का होता है जो कि देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत है और सुंदर भी है और इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो अगर हमारे गांव आए तो हम आपको ज़रूर इसका आपको सेवन करवाएंगे। बहुत ही अच्छा देखिए ये मुख्य मिट्टी जो है आपका इस मिट्टी में ये दोमट मिट्टी है बलवाही दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी में इसकी जो फसल होती है काफ़ी अच्छी होती है तो इसकी साइज भी इसी तरह का होता है और इसको हम सबसे पहले तो पानी से बढ़िया से इसको धो लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी और बालू का अंश रहता है तो ये बढ़िया से निकल जाए और उसके बाद एक क्या कहते हैं कढ़ाई में इसको पकाते हैं उबाल करके। तो कम से कम इसको उबालने में मिनिमम आधा घंटा का समय देना होगा आपको ताकि ये बढ़िया से पक जाए और फिर इसको जो छील करके इसको आप खाएं तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आइए और हमारे गांव तो कभी हम इसका आपको सेवन करवाएंगे। करिए या फिर मार्केट में भी है या हमारे नंबर पर भी चाहें तो संपर्क कर सकते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। ये तो अगर हमारे ये बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों।